हेलो जी, सारिया नू जी मेरे वालों हथ जोड़ के प्यार भरी सत श्री अकाल। कौर संधू ब्लॉग ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। उम्मीद करदे आ तुसी ठीक ठाक हो, असीं भी ठीक ठाक हाँ जी। लो जी, अज आप आए हुए हैं खेत, है ना, दिखावांगे तुहानू सारा। आप खेत का व्यू देखते हैं, जिहड़े हैगा झोना लग्गिया होया है ना, किन्ना औखा कम हैगा। भी उदों मेरी जरूर सलाह सीगी जो झोना लगता सीगा भी मैं खेत आना आ, हुण जिहड़ा पौधा वाला थां थोड़ा जिहा रहिंदा सी उह लाउण वाला ते उह वी अज लैता कुलविंदर जी ने, ते मैं भी ला के देखूंगी थोड़ी जी, थोड़ा जिहा झोना मैं भी ला के देखूँ, क्योंकि जी कोई औखा कम नहीं हैगा, है ना। झोना लाउणा उह वी तां इंसान ही ने जिहड़े लाउंदे ने, है ना, कोई औखा कम नहीं। इह तां बस इक ऐ हो जांदा वी चलो, है ना, लाउण वाले आए हुए ने, लेबर आई हुई है। ते अगे वी तां जिहड़ियां साडियां मम्मियां हुंदियां सी, है ना, मेरी उरे वाली मम्मा ने, है ना, सस मम्मी जी, वह भी कहते हैं असी जीरी बहुत लाई है, बहुत झाड़ी हैगी। तो मेरे पिंड वाले मम्मी भी कहते होंगे ने भी जीरी बहुत लाई है, क्योंकि मैं भी एक साल जीरी आके लवाई है जी, उदो साढ़े आप ही लाई सी जीरी, मैं भी ला लें थी चौ मत्ती, मैंने कोई औखा नहीं लग्या है कम। जो रोटी रूटी लेके आँदी थी मैं भी लवा लग जाती थी, मैंने तो बहुत सगो बहुत वधिया जी लगता थी। जिहड़ी साढ़े लवे हैगी थी लेबर लाउंदी थी वह साढ़े पिंड की थी, उहदे विच कुड़ियां बुढ़ियां बहुत थियां, उन्होंने देख के मेरा भी जी करिया थी, फिर मैं भी लाई थी। तो इस बारी मैनू आने ही नहीं दिता घरों, मैनू कहिंदे गर्मी बहुत ज़्यादा है भी रोटी रोटी बनाउण दा ही तुहाडा हो जांदा है, है ना, तीन टाइम की रोटी हो जाती है कम, क्योंकि मझां पशुआं दा कम सारा मेरे सिर ते हो जांदा सी। फिर मैनू कुलविंदर जी कहिंदे भी तैनू घर दा ही कम बहुत ज़्यादा है, भी चलो घर ही, है ना, भी कोई नहीं मैं आप ही खेत सामभ लाँगे। असी हरस दीआं भी छुट्टियां ते उह भी नाल कराउंदा रहा खेत का कम। आ जाओ जी, हुण आपां तुहानू खेत का टूर दिखाउणे आ। देखो जीरी किन्नी सोहणी जीरी अपनी लग गई जीरी, देखो ये जिहड़ा सारा झोना हैगा लग गया अपना। तो आह वाला नींबू का बूटा जी जिहड़ा अपने घरों पट्टिया तीगा, है ना, इत्थे लाता तीगा, ये अजे तक एरा सुक गया कहिंदे ने गे, वैसे डाणियां इहदियां जिहड़ियां हैगियां ने हरियां पईयां ने, कहिंदे चल पूगा चल पूगा, फिर देखो जी चले तो जाणी है, है ना। वैसे अपां ने इह नहीं करिया हैगा पट के बूटा, घरे लाए खेत लाया है घरों पट्टिया तीगा। आह जिहड़ा सारा थाऊ हैगा वाधू पिया, एक बारी तो मैं थौ समरा गई सी आके बहुत ज्यादा, उदों भी इट रोड़ा उरे बहुत पिया थी, असी प्याज ला ले थे, बस ये थोड़ी जी गौर घट ही करते ने गे। जे खेत कोई सब्जी ला भी लैन, पहला उरे बैंगनी के बूटे बहुत ज्यादा लाए हुए थे, वह भी नहीं थी लैके जाते तोड़ के उरों ही, क्योंकि अपना घरों ही सर जाता जी सब्जी नाल, घरे बहुत ज्यादा सब्जी लगती है खेत चो। इस बारी तो लाई भी घट हैगी खेत सब्जी, तो ये निम भी अपने घरों पट के लाए थी, जो अपने कोठी पाई हैगी उत्थे जिहड़े निम हरे होए हुए सीगे भी वधिया चल पिया, दो निम ते एक होर सीगा उरों पट पुट्टिया गया होगा जी, ये भी दरख्त लग्या होया, ये डेक लगी हुई है, वह पापू लारे लगे हुए ने, है ना, बहुत ज्यादा। तो इधर जिहड़ी लाइट सीगी हुण खड़ गई, तो हुण आपां दिखाउणे आ तुहानू, देखो मक्की किन्नी सोहणी हैगी अपनी जिहड़ी हैगी मक्की, हजे आपां बाजरा वढ़दे आ, वो देखो साइडां ते जिहड़ा हैगा सारा खाड़ू बाजरा लाता सीगा, जिहड़ा दब के लाउंदे हुंदे आ, है ना, कलमां तो लाउंदे हुंदे, वह बाजरा लग्या सी, क्योंकि जदों हरे की तोट पै जांदी है उदों वह बाजरा कम आउंदा हैगा, वह बाजरा कम आउंदा। वैसे चलो दुध वाले पशु नूं तां थोड़ा जिहा इन्ना है नहीं लाभकारी, वह दुध वाले पशु वास्ते तां मक्की जिहड़ी हैगी बहुत वधिया है, बहुत वधिया दुध दिंदे ने, तां ही असीं इस वारी सारी मक्की बीजी, वह देखो धुर तक मक्की बीजी हुई है। देखो जी ये पुदीना किन्ना ज़्यादा सोहना पुदीना होया पिए, तो मैं इतों पुदीना भी तोड़ के लेके जाऊंगी, तो चटनी बहुत वधिया बनती है, चाहे नींबू का पानी बनाने उदों भी आप पुदीना ग्रैंड करके बिच पा सकते हैं, ठंडा होंदा पुदीना बहुत ज़्यादा। इधर चाचा जी की बाड़ी लाई हुई है, इस बारी असी जिहड़ी बाड़ी हैगी इत्थे नहीं लाई, ये चाचा जी की बाड़ी लाई हुई है, आज आप देखते हैं भी की लग्या हुआ। आ जिहड़ा हैगा तोरियां दी वेलां लगियां होईयां ने, वैसे जिहड़ा हैगा जी गर्मी बहुत ज़्यादा पई है, है ना, तो कोई ज़्यादा सब्जी जिहड़ी हुण हैगियां ने सारियां सब्जियां सुक्कियां पईयां ने, कोई सब्जी नहीं लगी जिहड़ी इन्नी ज़्यादा गर्मी पई है, घरे भी जिहड़ा हैगा सब्जी कोई नहीं लगी। आपां इधर चल के देखदे आ, लो जी आ लाए हुए ने बाड़ करेले, आ देखो बाड़ करेले लाए हुए ने, वैसे हुण कोई किसी दे उह नहीं हैगा, सुक्कियां पईयां ने सब्जियां, आ फलियां लगियां होईयां ने, फलियां हुण जिहड़ियां हैगियां ने अपने घरे भी घट ही उतरदियां ने, है ना, आ कद्दूआं दे वेलां लगियां ने। जिहड़ा उह थाऊ हैगा जी वह कोठे दे नाल नाल थाऊ है, वह जिहड़ा हैगा साडा सांझा थाऊ ही है जिथे पुदीना लग्गिया होया हैगा। आह जिहड़ियां सब्जियां लग्गियां ने चाचा जी के,
क्योंकि जी कोई फर्क नहीं हैगा साढ़े परिवार दे विच, कोई भी फर्क नहीं हैगा भी जे कोई सब्जी इधर उधर लगी हुई है एवें कोई फर्क नहीं हैगा भी एक दूजे नूं भी इहदी है जां उहदी है। तो जिन्हें मातियां पहलां कोई भी तोड़ सकदा हैगा, इहो जिहा कोई फर्क नहीं। अपने तो घर ही बहुत सब्जियां लगदियां ने जी, आपां खेतों तो बहुत ज़्यादा घट सब्जी लैके जांदे आ। ये अपना कोठा पाया होया, आह देखो भिंडियां घर भी साढ़े आई हुई पईआं ने, भिंडियां देखो जमी मच गई। आह जिहड़े फलियां ने मिर्चां लाईआं हुईआं ने, मिर्चां नूं भी जिहड़ी हैगी ठूठी जी पई पई है, जिहड़े हुण मीह पैणगे उहनां दे नाल किते जा के सब्जियां ठीक होणगीआं। पुदीना तोड़ दे, चटनी बनावांगे घरे जाके। देखो किन्ना ज्यादा फैल रहा है पुदीना, बहुत ज्यादा फैल रहा पे इत्थे तां। जिहड़ा हैगा इन्ना वधिया पुदीना है, इहदी स्मैल भी आ रही है। उधर जिहड़ी हैगी ट्रेन भी आउंदी हैगी, दिखावांगे तुहानू। जिहड़ी हैगी अपना खेत हैगा जी, बिलकुल गड्डी दी लाइन नाल जांदी हैगी ट्रेन जिहड़ी हैगी, इत्थों बिल्कुल नाल नाल गड्डी दी लाइन हैगी है जिहड़ी पटड़ी अपने खेत दे नाल नाल जांदी हैगी। फाटक जिहड़ा हैगा लग्गिया होया, मैनूं लगदा ट्रेन आ रही है। ते आपां तुहानूं ट्रेन भी दिखावांगे आउंदी। ते जिहड़ा अगला पिंड है नाल ही जी रणी के पिंड है, ये फाटक विच पै जांदा बिल्कुल अपने। लो जी ट्रेन देखो आ ही गई, ट्रेन भी आ गई। हुण जिहड़ा हैगा घरे चलदे आपां, सूरज सिपण वाले ही है ना, जा के रोटी रूटी भी बनाउणी। देखो ट्रेन इन्ना ज्यादा हुंदा थी जिहड़ी हैगी माल गड्डी थी। ये इत्थे अपने फाटक लग्या होया है ना, जिहड़ा रणी क्या नूं रास्ता जांदा। इत्थे जिहड़ी हैगीआं ने लाइनां भी जी दो बन गईआं, पहलां इत्थे सिंगल लाइन सीगी, हुण डबल लाइन हो गई है ना। एक बिजली वाली लाइन हो गई, एक पहलां सिंपल जिहड़ी हैगी ती हैगी। ये अगला साडा जिहड़ा हैगा, इस तों अगला स्टेशन हैगा लाल पिंड हैगा, उत्थे जिहड़ा हैगा स्टेशन बणिआ होया, उत्थे ट्रेन रुकदी है। वैसे इह तां माल गड्डी सीगी जी, इह तां नहीं रुकदी। इत्थे फाटक जिहड़ा हैगा लग्गे ही रहिंदा, क्योंकि ट्रेन कोई ना कोई आउंदी रहिंदी है जी। चलो जी जिहड़ी इह है ना जीरी लाती, जीरी अपनी सारी लग गई तुरपी, देखो वधिया बूझा मार गई। देखो जिहड़े जीरी लाउंदे ने है ना, उन्हां दी भी इक मजबूरी होई है है ना लाउणी। चलो इस वारी जिहड़ी हैगी साडी लेबर ने लाई है सारी जीरी, ते वधिया तुरपी अपनी जीरी। हुण अज मैं पहली वारी आई हां जीरी लाउंदिआं तों गेड़ा मारन। एक बारी आई सीगी जी जल्दी जल्दी है ना रोटी बनाउण, क्योंकि घरे भी किसी ने आना सीगा, फिर मैं जल्दी जल्दी वापस मुड़ गई। तो हुण मैं देखदी हाँ है ना, देखो जी जीरी दे विच खड़ के है ना किन्ना ज़्यादा वधिया लगता। तो ठंडा ठंडा पानी है ना, तो नाले तो जिहड़े हैगे ने है ना जीरी लाउंदे ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुंदी है। देखो ऐ करके है ना ਕੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਡਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ। ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਲ ਜੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੌਦਾ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਬੜ ਖੁੱਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਖੱਬੜ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਘਰੇ ਵੀ ਖੇਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ